नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में आईपीएल का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए आईपीएल के बारे में थोड़ा पहले बेसिक जानकारी जान लेते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसका पहला संस्करण जो हुआ 2008 में हुआ था, और आईपीएल को फॉर्मेट बनाने का जो श्रेय दिया जाता है ललित मोदी को दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे आईपीएल 2023 जो कि 16वां संस्करण था आईपीएल का, इस पर चर्चा करें। इसमें कुल मिलाकर 10 टीमें थी 10 शहरों के नाम पर। इसका फाइनल जो मुकाबला या फाइनल मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। फाइनल मैच सीएसके मींस चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स जीटी के बीच खेला गया, और सीएसके के या चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन हैं वो एमएस धोनी, और जीटी के गुजरात टाइटन्स के हार्दिक पांड्या कैप्टन हैं। और जो विजेता टीम है वो चेन्नई सुपर किंग्स या सीएसके रही, जिसको 20 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। और फाइनल मैच में लास्ट के दो बॉलों में 10 रन चाहिए थे, जिसे रविंद्र जडेजा ने दो बॉलों में 4 और 6 चौका छक्का मार के पूरा किया। उप विजेता टीम गुजरात टाइटन्स को 12.5 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया। थर्ड नंबर पर मुंबई इंडियंस को 7 करोड़ रुपये मिले, और जो चौथा नंबर पर टीम थी लखनऊ सुपर जॉइंट्स, इसको 6.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद देखते हैं सीजन 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला, जिसको बोलते हैं पर्पल कैप, मोहम्मद शमी के नाम है। सीजन 2023 में सर्वाधिक रन जिसे ऑरेंज कैप दी जाती है, शुभमन गिल को मिला। इमर्जिंग प्लेयर उभरता हुआ खिलाड़ी ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल। स्ट्राइक इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर मतलब कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाने वाला ऑफ द सीजन ग्लेन मैक्सवेल। गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल को मिला। और पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड ऐसी टीम जो अनुशासित तरीके से खेलती है पूरे मैच में टूर्नामेंट में, उसको दिया जाता है दिल्ली कैपिटल्स। कैच ऑफ द सीजन राशिद खान को मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया। सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले पूरे टूर्नामेंट में रुपे ऑन द गो अवार्ड दिया जाता है शुभमन गिल को दिया गया, 45 चौके लगाए थे। इसके बाद दोस्तों लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन 2023 फॉफ डू प्लेसिस आरसीबी के प्लेयर हैं, इनको दिया गया। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड वानखेड़े स्टेडियम और ईडन गार्डन्स को सबसे अच्छे ग्राउंड और पिच के नाम पे पिच एंड ग्राउंड अवार्ड दिया गया। अब आते हैं जरा इस तो पूरे सीजन की बात होगी, अब हम पर्सनली स्पेशली फाइनल मैच की बात करते हैं आईपीएल 2023। चूँकि 28 मई को होना था, 22 के कारण उसको एक दिन बाद टाल के किया गया 29 मई को। इसमें जो अवार्ड दिया गया ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में कम बॉलों पे ज़्यादा रन बनाने वाले, ये अवार्ड दिया जाता है अजिंक्य रहाणे को। गेम चेंजर ऑफ द मैच साई सुदर्शन को दिया गया। लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द मैच साई सुदर्शन को दिया गया। सर्वाधिक चौके लगाने वाले रुपे ऑन द गो अवार्ड दिया जाता है साई सुदर्शन को दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच डेवोन कॉनवे को दिया गया। एक्टिव कैच ऑफ द मैच एमएस धोनी को दिया गया। और इसके बाद अभी देखते हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन कौन लोग हैं। सर्वाधिक रन की बात करें पूरे पूरे टूर्नामेंट में, पूरे 2023-16 संस्करण में, तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल सबसे ज़्यादा रन बनाया शुभमन गिल ने 890 रन हैं। फॉफ डू प्लेसिस को इनके हैं प्लेसिस आरसीबी के, इन्होंने बनाए हैं 750 रन, नंबर टू पे हैं। और तीसरे हैं ये हमारे जीटी के हैं गुजरात टाइटन्स के, ये आरसीबी के हैं। और थर्ड नंबर पे डेवोन कॉनवे हैं, ये आपके हैं सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के, इनके 672 रन हैं टोटल सीरीज में। और हमारे फिर विराट कोहली हैं
विराट कोहली, ये हैं आरसीबी के, इनके हैं 672 रन, अरे सॉरी 639 रन। तो टॉप फोर आपके हो गए, और पांचवा भी देख लेते हैं। इसी में यशस्वी जायसवाल हैं, जो कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड दिया गया है। इनके हैं 625 रन्स। और जो टॉप विकेट लेने वाले हैं मोहम्मद शमी, जीटी के, गुजरात टाइटंस के 28 विकेट हैं इनके। और मोहित शर्मा, ये भी जीटी के हैं, मोहित शर्मा गुजरात टाइटंस के हैं, इनके 27 विकेट्स हैं। तो ये है दोस्तों आईपीएल 2023 का पूरा रिकॉर्ड समरी, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा। एक एक टॉपिक, एक मेन मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारा मैंने देने का प्रयास किया है। और विश्वास है अगर आईपीएल 2023 से क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। अगर वीडियो या सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों और अपने लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीदों के साथ कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।